गुड मॉर्निंग गाइस, आज 17 जनवरी 2020 नए साल की सबको शुभकामनाएं। और मैंने आज का वीडियो जो बनाया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जल्दी मेरा फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। मेरी फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है, जो कि 2000 किलोमीटर्स पर होती है। तो फर्स्ट सर्विसिंग से पहले मुझे जो गाड़ी का एवरेज मिल रहा था, तो वो था नियर अबाउट 11 to 12 किलोमीटर। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मेरा एवरेज थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है उसमें, तो वो मुझे करीब 13 से 15 किलोमीटर मिल रहा है सिटी में विथ एसी। तो गाड़ी में अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, सिर्फ स्टार्टिंग में जब मैं पहाड़ी इलाके में था तो अचानक से बीच में कुत्ता आने की वजह से अर्जेंट ब्रेकिंग की थी। उस टाइम जो एबीएस का इश्यू आया था, एबीएस की लाइट लगातार कंटिन्यूसली वो जल रही थी। तो उसके बाद सर्विस सेंटर वालों ने कुछ उसकी बेयरिंग चेंज की और उसके बाद से इशू सॉल्व हुआ। और जो मैंने कहा था कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि उनके लेफ्ट फ्रंट जो लेफ्ट सस्पेंशन है उसमें से आवाज़ आती है, तो उसके लिए क्या करें, अगर जिस किसी बंदे के गाड़ी में से वो प्रॉब्लम होगा तो सर्विस सेंटर में जाए और उनसे कहे कि उसका टॉर्क ट्यून करके दें। तो टॉर्क ट्यून होने पर वो जो प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी की, तो वो सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई है गाड़ी का। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है रेनॉल्ट ट्राइबर, और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी लोग लेना चाहते तो वो बेशक ले सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल कार है विथ 7-सीटर 2, और विथ 7-सीटर आप कहीं भी गाड़ी ले जा सकते हैं, कोई अंडर पावर वगैरह कोई भी आपको वैसा इशू नहीं आएगा। जैसे मेरे बाकी भाइयों ने, यूट्यूबर्स जो है, उन्होंने कहा था कि अंडर पावर है ये सब वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी चला लेती है। 7-सीटर के साथ गाड़ी काफ़ी अच्छा पिकअप भी देती है। तो गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहद अच्छा है, तो गाड़ी ले सकते हैं आप। और मैंने सुना है कि आने वाले मार्च तक इसका AMT और 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आने वाला है। डीजल का कोई उन्होंने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, पर जल्दी ऐसे सुनने में आया है। मैं भी उस पर मतलब मुझे पता नहीं है कि आने वाली नहीं, पर सुना है काफ़ी रूमर्स से। तो और कई हो सकता है, आ सकती है, आएगी तो देखेंगे उसका भी परफॉर्मेंस में कुछ। अगर टर्बोचार्ज रहेगी तो पावर में भी काफ़ी इम्प्रूव होगा उसका। और ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी का भी इम्प्रूव अच्छा है, सिर्फ वो जो गाड़ी का वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन का कुछ कहीं पे इश्यू आता है जब आप हिली एरिया में अचानक से क्लिमिंग में अगर गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो उस टाइम अगर थोड़ा सा वाइब्रेट होती है, या फिर रिवर्स पे ढलान हो, या फिर आपको वहाँ पे अगर रिवर्स लेनी हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम ज़रूर है गाड़ी में। बाकी सर्विस सेंटर का अगर कहूँ तो सर्विस सेंटर काफ़ी कोऑपरेटिव है। मेरा नासिक का सर्विस सेंटर है, सतपुर सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस मिली वहाँ पे। और कस्टमर का पूरे तरीके से ख्याल रखा जाता है वहाँ पे, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है कार के रिगार्डिंग, तो वो पूरी सुन ली जाती है, और खुद वो ट्रायल लेते हैं, और सर्विसिंग के बाद खुद ट्रायल लेते हैं। और पिकअप और ड्रॉप का भी सर्विस उनके पास अवेलेबल है। अगर आपके सिटी में सर्विस सेंटर को आप कहेंगे कि हमारी गाड़ी पिकअप कीजिए, तो आप वहाँ के सर्विस सेंटर जो भी पिकअप करने के लिए आते हैं, तो वो बंदे आपको आईडी कार्ड दिखाएंगे। और किसी भी बंदे को गाड़ी देने से सर्विस के लिए गाड़ी देने से पहले उसका आईडी ज़रूर पूछेगा, और हो सके तो उसका एक फ़ोटो भी ले लीजिएगा। वो खुद के लिए भी अच्छा रहेगा और एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ गाड़ी
सही बंदे के हाथ में दी जा रही है गाड़ी, और गाड़ी सर्विसिंग के ड्यूरिंग अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो उसका सर्विसिंग के दौरान आप उनसे पूछ भी सकते हैं कॉल करके क्या स्टेटस है सर्विस का, ये सब कुछ। और मुझे अभी गाड़ी का फुल रिव्यू करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बाकी आपको सभी यूट्यूबर्स जो भी भाई है मेरे, उन्होंने सबने आपको ऑलरेडी उसका वॉक अराउंड वीडियो भी बना मिल सकता है आपको वहाँ पे, तो देखिएगा। तो मैं हो सके तो जल्दी से ही ये सब कुछ वॉक अराउंड वीडियो और डिटेल रिव्यू करूँगा। और आफ्टर मार्केट आप अगर गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज लगवाना चाहते हो तो वो लगवा भी सकते हो, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आपको इसकी एक्सेसरीज भी मिल जाएगी, ट्राइबर की, रेनॉल्ट ट्राइबर की एक्सेसरी भी अभी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हो। आफ्टर मार्केट भी आपको जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगी, अभी आफ्टर मार्केट भी उसके पार्ट्स आने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि गाड़ी के पार्ट्स में नहीं मिलेंगे या फिर कुछ। आफ्टर मार्केट आप एक्सेसरीज में मैंने अभी इसमें आफ्टर मार्केट में मैंने काफ़ी चेंजेस किए हुए, अम्बेंट लाइट्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, तो उसका भी एक रिव्यू करूँगा। सो आशा है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, और ड्राइव सेफ और सीट बेल्ट ज़रूर पहनेगा। सो टेक केयर, बाय बाय।